हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिशन कॉमर्स में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है आपका टेलर्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम पिछले वीडियोस में जो देखा हमने कि हम लोगों ने फ्योल्स के प्रिंसिपल्स को बहुत इजीली समझा कि किस प्रकार से हम लोग शॉर्ट में लिखकर कोई भी टॉपिक को आसानी से पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही ट्रिक को हम आगे भी फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने यहां पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पे FWT लिखा है, तो FWT फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ये इनका पूरा नाम है। ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, ये शॉर्ट फॉर्म में AME लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहां पे लिखा हुआ है BSC का मतलब होता है बेथलेहम स्टील कंपनी में, ये चीफ इंजीनियर की पोस्ट में काफी सालों तक काम किए। इसके बाद इन्होंने दो बुक्स लिखी जो बहुत ही फेमस हुई। पहली थी आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट PSM, और एक बुक और उन्होंने लिखी जो थी शॉप मैनेजमेंट SM। इन दोनों बुक्स के कंट्रीब्यूशन के कारण से इनको हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, तो उसका आंसर है FW टेलर, क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की फील्ड में काफी ज्यादा स्टडी किया और बहुत ही साइंटिफिकली जो भी इन्होंने टेक्निक्स बनाई वो कॉज और इफेक्ट रिलेशन में बेस्ड थी, और उसी के बेसिस पे इन्होंने अपनी स्टडीज को आगे कंटिन्यू किया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है इनके प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए, यहां पे लिखे हुए हैं, इसके भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए 4P, 4P में SNRT, इसका मतलब होता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये इनका पहला प्रिंसिपल है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, इट इज नॉट बेस्ड ऑन रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब यहां पे ये होता है कि हिट एंड ट्रायल बेसिस पे मैनेजमेंट काम नहीं करता, यानी जो मन में किया वो मेथड अपनाया, सक्सेसफुल हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपका सब कुछ वेस्ट। तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज में जो फोकस किया कि मैनेजमेंट को भी उन्होंने साइंस के जैसे कंसीडर किया। उन्होंने भी हर चीज के लिए कॉज और इफेक्ट रिलेशन को एस्टेब्लिश किया, और उसके बाद ही जाके उन्होंने कोई भी मेथड्स को डेवलप किया। देखिए कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको एक कॉज यानी कारण ढूंढना होता है कि ये चीज क्यों हो रही है। जब तक आपको कॉज नहीं पता होगा तो कॉज को आप स्टडी नहीं करोगे, उसके लिए आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे, और कॉज को स्टडी करने के बाद जब आप कोई नई चीज डेवलप करते हो तो उससे कुछ ना कुछ नया इफेक्ट आता है, यानी कुछ नया असर आता है, उसको भी स्टडी करना जरूरी होता है। तो जैसे कि साइंस में ये चीज होती है, तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी ये चीज होती है। तो रूल ऑफ थंब पे फोकस ना करके एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करना है मैनेजमेंट के लिए भी, यही आपका फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब आपने सुना होगा मिलजुल कर रहना, एक साथ रहना, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है अलग अलग। तो अगर हम इस पूरे स्टेटमेंट को देखेंगे तो शॉर्ट में हमने इसको HND लिखा है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल there should be complete harmony and understanding between the workers and management, and they should work together to achieve the organizational goal. तो ये है आपका इसका स्टेटमेंट।
अब इसको समझिए, इसमें उन्होंने यही कहा है कि दोनों को एक दूसरों को समझकर चलना है, एक दूसरे के अपोजिट में कोई भी एक्टिविटीज नहीं करनी है। जब तक हम अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करेंगे, एक फ्रेंड के जैसा बिहेवियर नहीं रखेंगे, तब तक हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। और इसी प्रिंसिपल का एक्सटेंशन जो है, यानी जो इसको और एलैबोरेट किया गया है, वो थर्ड प्रिंसिपल है, CNI। CNI का मतलब होता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का जो एक्सटेंशन है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, क्योंकि इसी फिलॉसफी को और आगे बढ़ाया है ये थर्ड प्रिंसिपल ने, कि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। यानी वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर तो रहें, एक दूसरे को समझे भी, और सबसे इंपॉर्टेंट एक दूसरे की केयर करें। जब तक हम एक दूसरे की केयर नहीं करेंगे, मैनेजमेंट और वर्कर्स एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तब तक जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो प्रॉपरली अचीव नहीं हो पाएंगे। मैनेजमेंट को भी वर्कर्स के अच्छे सजेशंस को कंसीडर करना है, उनको रिवॉर्ड देना है उनके अच्छे सजेशंस के लिए, और वर्कर्स को भी स्ट्राइक्स नहीं करनी है, अनवांटेड डिमांड्स नहीं करनी है जो मैनेजमेंट के लिए बर्डन बन जाए। जब तक एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएंगे। तो ये था हमारा थर्ड प्रिंसिपल। और जो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है वो है DWGEP, यानी डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमको वर्कर्स को बहुत साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है सिलेक्शन का, रिक्रूटमेंट का, और सिलेक्शन करने के बाद उनको टाइमली साइंटिफिक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है ताकि उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो। जब तक वो एफिशिएंट नहीं होंगे, इफेक्टिव नहीं होंगे, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और जब तक वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो इससे फायदा दोनों का होता है, वर्कर्स का तो होता ही है, प्लस साथ में मैनेजमेंट को भी उसमें बहुत बेनिफिट मिलता है, उसकी कॉस्ट रिड्यूस जाती है, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो जाता है, तो इससे मैनेजमेंट भी आगे फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग टेलर की जो टेक्निक्स हैं उसको स्टडी करेंगे। और प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे जो चैनल है मिशन कॉमर्स उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी नए वीडियोस लेटेस्ट अपडेट्स होंगे उसकी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।